Welcome to my YouTube channel. I'm Amir Shahzad from RoshanTech eSite.pk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. एक नया दिन, एक नई वीडियो। और मैं हस्बे मामूल एक घंटा वॉक के लिए निकला हूँ और साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो चंद दिनों से मेरा ये मामूल है और इसी के बाद में इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो थोड़े से मैं तजर्बात आपसे शेयर करता हूँ कि पहले मेरा ये ख्याल था कि मैं कोई ना कोई वीडियो टेम्पलेट लेके उसके साथ ये ऑडियो लगा के अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसमें फ़ाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो जो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की इस तरीके से, तो वो तकरीबन 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वही 3 GB के करीब साइज़ बन गया। और मैं HD में बना रहा हूँ, ये वजह भी है। तो इस वजह से फिर मैंने इस प्रोग्राम को छोड़ने का इरादा कर दिया है। इसके बजाय अगर हम एक तस्वीर लेकर उसके साथ ऑडियो चलाएं तो वो बहुत ही रीज़नेबल साइज़ की फ़ाइल बनती है। जैसे कि मैं ये एक घंटे की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसका साइज़ तकरीबन 145 MB के करीब बनता है। तो तस्वीर लगा के मैंने ऑडियो फाइल उसके साथ जोड़ के वीडियो बनाई है तो उसका साइज़ भी लगभग इतना ही बनता है, या इससे गालबन 113 MB या इस तरह की कोई फिगर थी, लेकिन छोटी सी ही फिगर थी। सलाम। तो ऐसी वीडियो देखने में थोड़ी सी बोरिंग होती है क्योंकि सिर्फ तस्वीर सामने आ रही होती है, लेकिन बहरहाल ये अब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लग रहा है क्योंकि इसमें अगर मैं एक वीडियो अगर रोज़ ही अगर बिलफर्ज मैं रिकॉर्ड करता हूँ और 5-6 GB की फ़ाइल बनती है और फिर उसको अपलोड करना बहुत फिर तरदद वाला काम हो जाता है। और अगर वीडियो टेम्पलेट भी अगर एक ही तरह की इस्तेमाल करते रहें तो उसका भी फिर मज़ा नहीं। तो इस वजह से वीडियो टेम्पलेट वाला प्रोग्राम छोड़ दिया। तो एक और बात आपसे शेयर करता जाऊँ कि अगर फ़ाइल का साइज़ छोटा है तो फिर बाज़ वेबसाइट्स हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि जो तस्वीर आप ऑडियो से वीडियो बना लें, यानी आप एक बैकग्राउंड की तस्वीर दें साथ में अपनी ऑडियो फाइल दें तो वो उसकी वीडियो बना के दे देंगे और बैकग्राउंड में आपको वीडियो आपकी तस्वीर जो आपने बैकग्राउंड दिया है वो नज़र आती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो फिर तो खैर ये मसला है ही नहीं, लेकिन अगर आप उस झंझट से बचना चाहते हैं और आप इसी तरह मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करते रहें। अस्सलाम। और उस वेबसाइट पे अपलोड करके वीडियो बना सकते हैं। तो चंद सॉफ्टवेयर मैं जो वीडियो एडिटिंग के इस्तेमाल करता हूँ उनमें से एक OBS स्टूडियो के नाम से सॉफ्टवेयर है, तो उसमें इससे भी एक और अच्छी ऑप्शन है कि आप चंद तस्वीरें ले लें, जो भी टॉपिक आपका है उससे मुतालका तस्वीरें, तो वो उसमें डाल दें तो वो उसकी स्लाइड शो चलाता रहता है और साथ में आपकी ऑडियो चलती रहेगी। तो इस तरह की चंद वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी भी हैं, पुरानी आप देख सकते हैं। तो कल के वीडियो में ऑडियो वीडियो जो भी कह लें उसमें मैंने जो रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में काफ़ी सारी बात की थी। तो जिन लोगों की दिलचस्पी है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में या उसके अंदर डेवलपमेंट करने में या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, उसको कस्टमाइज़ करने में, तो मेरी कल वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। बाकी आज मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि मुझे किसी साहब ने एक वीडियो भेजी जिसमें एक आदमी को गलबन अफ़गानिस्तान की है, वहीं का लिखा हुआ था, उसमें उसको संसार किया जा रहा था। तो इस्लाम के जो मसाइल अगर आप पढ़ें तो उसमें ये है कि अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जना करता है और उस पर गवाह भी मौजूद होते हैं तो उसको सज़ा ये है कि कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा शख्स है तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है, जो कि संसार करना है। तो इस चीज़ का हमें आदीस से पता चलता है कि संसार किया गया और यही सज़ा है। इंसान फितरतन नरम दिल है, इस तरह की वीडियोस देखना तकलीफ दे होता है। और हमारे माशरे में या बहुत से मुल्कों में इस पर अमल दरामद भी नहीं किया जाता, जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे भी। अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم. तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ पे चंद शायद 100 के करीब लोग होंगे, 50 या 100 के करीब लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन इस तरह की सज़ा बहुत बड़ी एक मिसाल बन जाती है।
और फिर वीडियो जिस तरह मेरे तक भी पहुंची है और लगता है कई हज़ार शायद लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंची होगी। और अगर इस तरह की इस्लामी जो सज़ाएं हैं जिस तरह चोरी पे हाथ काटना है इस पे अमल दरामद हो तो फिर हम माशरे में एक वाज़ह तब्दीली देखेंगे। बहरहाल ये एक हमारा अलमिया है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं लेकिन जो हमें कुरान और हदीस से इस्लाम के अहकाम नज़र आते हैं वो हमें अमली तौर पे कानून के दायरे में नज़र नहीं आते होते हुए। किसी को कत्ल करना बहुत सख्त हुक्म है या सख्त काम है, मुश्किल है, तकलीफ़ देह है, लेकिन फिर यह भी देखा जाए कि उसने काम कैसा गलत किया है जिसकी इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है। तो इस्लामी माशरे में पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह अगर कोई मर्द या लड़का अस्सलाम वालेकुम तो अगर कोई मर्द या लड़का ऐसा अमल ज़बरदस्ती करे किसी खातून या लड़की के साथ तो उसको सज़ाए मौत है, यानी एक पाकीज़ा मासूम बेगुनाह औरत या लड़की को दागदार करने की सज़ा इतनी सख्त है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मुख्तलिफ रूट पे निकला हूँ तो यहाँ पे इत्तफाकन ज़्यादा बंदों के साथ आमना सामना हो रहा है। तो चलें ये तो एक बात होगी, तो जो भी आप चीज़ फिर देखते हैं उसका आपके ऊपर एक असर होता है और वही असर फिर मेरी इस रिकॉर्डिंग में भी आ गया। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा शोबा कंप्यूटर साइंस है, सन 2000 के करीब जब आईटी का बहुत ज़्यादा शोर मचा तो उस वक़्त बहुत से लोग आईटी की फील्ड में आए, कुछ तो अपने शौक़ और दिलचस्पी की वजह से इस फील्ड में आए, उनमें मेरा भी शुमार है, और बहुत सी तादाद ऐसी थी जिनको शौक़ के बजाय ज़रूरत या वालदैन ने मजबूर किया, फ़ोर्स किया कि आईटी में बड़ा फ़ायदा है, आईटी में बड़ा स्कोप है, तो वो फिर आईटी में आ गए। तो इनमें से भी कुछ लोग तो मेहनत करके कामयाब हो गए, कुछ लोग एडजस्ट कर गए, अगर उनकी दिलचस्पी नहीं भी थी तो उन्होंने दिलचस्पी बना ली।
लेकिन बहुत सी तादाद ऐसी भी थी जो कि इसमें एडजस्ट नहीं कर सके। तो फिर ऐसे लोग हम देखते हैं कि वो फिर आगे, क्योंकि डिग्री तो उनके पास आ जाती है, बैचलर या मास्टर जो भी उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, तो बहुत से लोग फिर अपनी फील्ड स्विच कर जाते हैं, कोई सेल्स में चले जाते हैं, कोई टीचिंग के शोबे में चले जाते हैं, यानी कंप्यूटर से हट के। और वैसे अगर कंप्यूटर की भी वो टीचिंग करें तो ये भी एक निस्बतन आसान शोबा बन जाता है, बजाय इसके कि वो डेवलपमेंट करें जो कि मुश्किल काम है। तो ये काम खैर अभी भी हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को मजबूर कर देते हैं कि वो किसी एक चीज़ में करें काम। तो अगर तो बच्चों का ज़ेहन अच्छा है और वो एडजस्ट कर जाते हैं तो ठीक है, वरना उनकी दिलचस्पी को लाजमी मद्देनज़र रखें। तो इसमें कुछ चीज़ें, अगर आप बच्चे का रुझान देखना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं कि वो आईटी में कंप्यूटर साइंस में चल सकता है, तो उसमें एक निशानी जो अमूमन बताई जाती है कि अगर बच्चा मैथमेटिक में, हिसाब में अच्छा है तो वो कंप्यूटर में भी अच्छा होगा। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप इसमें डेवलपमेंट की तरफ आएँ, ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स का इस्तेमाल है। तो मैथमेटिक में जिस तरह फार्मूले बन जाते हैं, आप मेमोराइज़ वो कर लें, आपने फिर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, इसी तरह आप को एक प्रॉब्लम बताया जाता है, इशू बताया जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो उसको सॉल्यूशन कन्वर्ट करके दे देते हैं, उसको हल करके दे देते हैं, जिस तरह के बच्चे इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक की। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी मैट्रिक तक की जो मैथमेटिक मैंने पढ़ी थी उसमें मेरी दिलचस्पी थी, लेकिन उसके बाद एफए में जो मैथमेटिक पढ़ी उसमें मेरी कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव्स वगैरह ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, ना ही समझ आए। तो मेरे बचपन से ही चीज़ों को, इस तरह कोई भी डिवाइस है उसको समझने की कोशिश करना, इस तरह की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह पुराने जो टीवी एक थे, आगे जिसकी खिड़की सी एक बनती है, जिसको दरवाज़ा आगे लगा होता है, खोल भी कर सकते हैं बंद भी कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शंस कुछ थे, उसको मैं बचपन से ही छेड़छाड़ करता था। फिर इसी तरह भाई मेरे बाहर मुल्क गए, वहाँ से सीडीज़ और डेक वगैरह लेके आए, उसमें भी 6 CDs डल सकती थी, बाद में फिर शायद उससे भी ज़्यादा वाले वो लेके आए, तो उसके वो फंक्शंस वगैरह मैं चेक करता रहता था। बहरहाल कंप्यूटर का जब मैंने 1996 में एक शॉर्ट कोर्स किया तो उससे मुझे समझ आ गई कि मेरी इसमें दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे जो इसमें प्रोग्रामिंग का काम है उसमें मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी। खैर प्रोग्रामिंग का काम तो मैंने बाद में किया, उस वक़्त जो शॉर्ट कोर्स था उसमें तो एप्लीकेशन पैकेजेस वगैरह
ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त डॉस हमें सिखाया जाता था और विंडोज़ 3.11 सिखाई जाती थी और विंडोज़ 95 भी उस वक्त आ चुकी थी। तो हमारे टीचर जो थे वो हमें साथ साथ थोड़ा सा उसका भी बता देते थे, हालांकि वो कोर्स में नहीं थे। तो फिर 99 में एफ़ए के बाद मैंने एक साल का डिप्लोमा किया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का DCS उस वक्त नाम होता था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। फिर बाद में ये DIT के नाम से चलता रहा। तो उस कोर्स के बाद मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी दिलचस्पी प्रोग्रामिंग में है। तो आप कभी अगर बच्चों में से या दोस्तों में से कोई कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाहे तो इस तरह छोटे से कोर्सेज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इसमें दिलचस्पी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें अब होता ऐसे है कि बाज़ बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं या मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके बारे में ये समझा जाता है कि ये कंप्यूटर साइंस में भी ठीक होंगे, लेकिन गेम्स खेलना या मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। तो बाज़ बच्चे इस तरह भी फिर आगे आके नाकाम हो जाते हैं कि वो गेम्स के शौकीन होते हैं जबकि पढ़ाई अलग है। तो अब बच्चों को इस तरह छुट्टियां हों गर्मियों की, जैसे अभी तो खैर कोरोना की वजह से बिल्कुल ही हालात बदल चुके हैं, लेकिन जब भी इस तरह के कोर्सेज कोई छोटे मोटे चंद महीनों के मौका मिले, 1-2 महीने 3 महीने इस तरह के कोर्सेज बच्चों को करवाने चाहिए, तो उसमें बच्चों को भी समझ आ जाती है कि उनके मतलब कि ये फील्ड है या नहीं। तो मेरी क्योंकि दिलचस्पी प्रोग्रामिंग के साथ ज़्यादा थी और है भी, उसमें सारा मतलब अगर आप कोई से कोर्स, मैंने देखा है कि बाज़ लोग कोर्सेज कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के, शॉर्ट कोर्सेज करते हैं या डिग्री के दौरान भी वो प्रोग्रामिंग की चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती। तो उसकी वजह यह है कि वो चीज़ें मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी मजामीन में चीज़ें मेमोराइज़ की जाती हैं और एग्ज़ाम में फिर दोबारा उनको लिखा जाता है। तो इसमें भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स में भी मेमोराइजिंग याद करने वाली काम भी होता है, लेकिन वो बहुत बेसिक सा होता है, यानी कि आपने जो प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं उनके सेंटिक्स याद करना होता है। सेंटिक्स से मुराद है कि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए तरीक़ाकार बताया जाता है कि ये चीज़ इस तरह लिखी जाएगी, उसका फॉर्मेट आप समझ लें कि बताया जाता है। तो फॉर्मेट हमेशा वैसे ही रहता है जैसा कि सेंटिक्स में बताया जाता है, और सेंटिक्स में कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो चीज़ें लिखी जा सकती हैं वो उसमें सेंटिक्स में डाली जाती हैं, और साथ ब्रैकेट्स डाली जाती हैं ये बताने के लिए कि ये चीज़ ऑप्शनल है, और जो चीज़ ब्रैकेट से बाहर होगी उसका मतलब यह है कि ये लिखनी लाजमी ही है। तो यहाँ तक तो मेमोराइज़ करना ठीक है, आपको क्योंकि सेंटेक्स नहीं पता तो आप
प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे, या करेंगे भी तो आपके कोड में बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे या कंपाइल करेंगे। तो इसमें प्रोग्रामिंग में जो सीखने वाली जो चीज़ है सबसे अहम, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कि एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है, पढ़ाई के दौरान तो खैर सिनेरियो बेस्ड चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो फिर आपको रियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल प्रोसेस यही होता है कि आपने उसका हल निकालना होता है, जैसे भी आप निकालें। फिर यह है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं कि ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और अगर आप पहले से ही ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स, इस तरह का आप सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। और कुछ चीज़ें आप ख़ुद भी डेवलप कर लेते हैं, अपने ख़ुद के स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं आसानी के लिए डेवलपमेंट में। तो प्रोग्रामिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ, मतलब ये एक लिहाज से डिस्कशन करियर काउंसलिंग टाइप की हो जाती है। अगर कोई इस शोबे में आना चाहता है, आप ख़ुद या आपके जानने वाले या फैमिली में बच्चों में से कोई भी आना चाहता है, तो ये चीज़ें आप खेल में होंगी तो फ़ायदा हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि आसान, अगर इसको आप कहें तो इसमें कहते हैं तीन चीज़ें अहम चीज़ें हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। तो इसको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ इनकी तफसीलात। सीक्वेंस से मुराद ये है कि जौन सा, जब आप इक्वेशन या प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन जब आपने निकालना होता है तो आप पहले एक जहन में प्लान या तरतीब बना लेते हैं कि कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। तो अगर आप इसी तरह सीक्वेंस गलत रख के कोडिंग कर देते हैं तो फिर ये होगा कि आपका रिज़ल्ट गलत आएगा। हालांकि एक लिहाज से प्रोसेसिंग आपने सारी की है, लेकिन एक स्टेप आपने बाद में करना था वो आपने पहले कर दिया है तो रिज़ल्ट गलत आ जाएगा। तो वैसे तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है। मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे नए लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि आपने, सवाल ये है कि आप कुछ, आपके पास इनपुट्स हैं यानी यूज़र से आप डाटा लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसके रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो बाज़ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इनपुट यूज़र से लिए बग़ैर या कोई इनिशियल वैल्यू उसको एंटर किए बग़ैर डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के कोड लिखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें तो होता तो फिर यही है कि जब वो कोड लिख के कंपाइल करते हैं तो अक्सर उसमें एरर्स आते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती, सर पकड़ के बैठे रहते हैं। और बाज़ का तुक्के से ठीक हो भी जाए कोड, उनको फिर भी ये समझ नहीं आती कि ये ठीक कैसे हुआ है। खैर, इस तरह की मीम्स भी बनी होती हैं मिजाइया खा के, कि पहले एक प्रोग्रामर बैठ के सर खपा रहा होता है कि ये क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, तो फिर ठीक वो हो जाता है और उसके बाद वो सर खपा रहा होता है ये कैसे चल गया है, यानी वो चाहता है उसको पता भी तो लगे ये ठीक कैसे हुआ है, तभी तो लर्निंग होती है। तो सीक्वेंस बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है। जिस तरह दो जमा दो चार करते हैं, हिसाब जिस तरह होता है, जो स्टेप आपने पहले करना है वो आपने पहले ही करना है,
ये आप गलती ना करें, ये बहुत बुनियादी सी गलती होती है। जिस तरह आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी बुनियाद गलत रख देंगे तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। तो सीक्वेंस आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, जो सॉल्यूशन आप दिमाग में बनाते हैं उसको प्लान करें अच्छे तरीके से। तो दूसरी चीज़ है सिलेक्शन। सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाती हैं और आपने कोड को एक डायरेक्शन में लेके जाना है और जिस तरह की वो वैल्यूज़ हैं उसकी बुनियाद पे। अगर वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं तो फिर आपने मुख्तलिफ डायरेक्शन में कोड को लेके जाना है, क्योंकि कंप्यूटर आप समझें कि एक अनपढ़ शख्स है जिसको कुछ भी नहीं पता क्या करना है, तो आप उसको लिख लिख के बताते हैं आपने क्या करना है, तो जो आप लिख के बताएंगे वो वैसे ही करेगा। आप गलत कोड लिखेंगे वो गलत ही करेगा, वो खुद से उसको ठीक नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट वो नहीं करेगा। तो सेंटिक्स की अगर गलती हो वो अमूमन आसानी से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन अगर लॉजिकल एरर है जैसे कि सीक्वेंस का इक्वेशन आपने प्रोसेस एक जगह पे करना था वो आपने पहले कर दिया या बाद में कर दिया तो रिज़ल्ट आपका ठीक नहीं आएगा। बज़ाहिर प्रोग्राम सही कंपाइल होगा, एग्जीक्यूशन भी उसकी बज़ाहिर ठीक होगी लेकिन रिज़ल्ट गलत आएगा। तो लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करना और फिक्स करना मुश्किल होता है। तो सिलेक्शन में बाज एग्जांपल इस तरह भी दी जाती है, रोबोट के सिनेरियो में आप समझें कि एक रोबोट में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि वेदर चेक करो, वेदर में अगर बारिश आ रही है तो तुमने छतरी बाहर लेके जानी है और अगर बारिश नहीं है तो फिर छतरी के बगैर भी जा सकते हो। तो इस तरह ये तो खैर छोटी सी डाइवर्जन है, सिलेक्शन है कि एक सिलेक्शन है, लेकिन बाज़ कोड के अंदर बेतहाशा सिलेक्शंस और आगे सब सिलेक्शंस, उसके अंदर फिर सब सिलेक्शंस, इतनी वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं कि उसको समझना मुश्किल हो जाए। तो आखिर में तीसरी चीज़ आ जाती है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब यह है कि बाज़ चीज़ें आपको बार बार करनी होती हैं, तो बजाय इसके कि आप वही कोड बार बार लिखें, आप कोड एक दफ़ा लिखते हैं और इंस्ट्रक्शन सेट एक है जिसको लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, एक लूप बना लेते हैं ये चीज़ बार बार हो, फिर जब तक आइट्रेशन की कोई ना कोई कंडीशन होती है या वो सिक्वेंशियल भी हो सकता है कि 10 दफ़ा चले यानी अगर एक जैसे स्टेटमेंट अगर आप कोड में लिखते हैं आई लव पाकिस्तान तो आपको टास्क मिलता है कि इसको 10 दफ़ा लिखें, तो ये काम खैर आसान है, आप उसको 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपकी यही फिगर अगर साथ ही साथ बढ़ाती जाए 10 के बजाय 100 कर दी जाए या 500, 1000 या 1,00,000 कर दी जाए तो फिर ये आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं रहता आप कॉपी पेस्ट करें, तो फिर आप आइट्रेशन की मदद से उसको जितनी भी फिगर उन्होंने कही हुई है या कंडीशन बताई हुई है उतनी दफ़ा आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये तो चले तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रोग्रामिंग की मेन, इसके अलावा कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो भी याद करने पड़ते हैं और वो फिर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज कौन सी और मुख्तलिफ कीवर्ड्स हो सकते हैं, और फिर हर कीवर्ड का फिर सेंटिक्स एक है, आपने उस सेंटिक्स के मुताबिक कोड लिखना है।
तो चलें, ये तो एक बुनियादी सी प्रोग्रामिंग के हवाले से बात हो गई है। अभी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि किस तरह नए लोग प्रोग्रामिंग सीखने में गलती करते हैं और फिर वो पूरे के पूरे सेमेस्टर, महीने और साल वही गलती दोहराते रहते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि पढ़ाई का टाइम गुज़र जाता है और कोर्स वर्क भी पूरा हो जाता है, लेकिन उन्होंने सीखा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी होती, उन्होंने सिर्फ़ चीज़ें मेमोराइज़ की होती हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट किस तरह लगती है, लूपिंग स्टेटमेंट किस तरह लगती है, और इस तरह कुछ कीवर्ड्स मेमोराइज़ कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो असल चीज़ है प्रोग्रामिंग, उसको वो सीखने की कोशिश नहीं करते। तो उसमें थोड़ी सी मैं आपको टिप्स देता हूँ, अगर कोई आईटी के शोबे में आ रहा है या स्टूडेंट है, सीख रहा है, डिग्री कर रहा है, जिस मरहले पे भी हैं आप, अगर इन चीज़ों को फॉलो अभी से करना शुरू करेंगे तो आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और एक दफ़ा आपको प्रोग्रामिंग की समझ आ गई, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में आसानी से सीख के उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपने कोर्स में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो वो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी एक टास्क आपको मिला है मिसाल के तौर पे, तो आप बजाय इसके कि उस टास्क का सारा कोड लिख के कंपाइल करें, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, सारा कोड लिखते हैं, आपने 10 लाइनें लिखी हैं, हो सकता है उसमें से 3 आपने गलतियां की हैं, तो उसको जब कंपाइल करेंगे तो वो इतने अजीबोगरीब से एरर आपको नज़र आएंगे, आप परेशान ही हो जाएंगे, आपसे फिक्स नहीं हो सकेगा। अगर एक ही गलती हो तो उसको फिक्स करना आसान है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोड इस तरह करें कि पहले एक बुनियादी स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का है वो आप लिखें, या जिसको आप कहते हैं हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आप कहते हैं, उस टाइप का एक कोड आप सैंपल बना के रख लें, या वो आप हमेशा वो पहले लिखें, उसको कंपाइल करें, वो ठीक रिज़ल्ट देता है, तो आपको कम से कम एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि जो कोड में कुछ चीज़ें स्टार्ट में लिखनी होती हैं, कुछ दरमियान में, कुछ एंड में, तो आपको ये चीज़ श्योर हो जाती है कि ये चीज़ें मैंने ठीक लिखी हुई हैं। अगर उनमें एरर होगा तो वो उसी वक्त आपको पता लग जाएगा और आप उसको फिक्स कर लेंगे। मैं खुद इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पहले कोशिश करता हूँ कि एक जो बुनियादी स्ट्रक्चर है कोड का वो लिखता हूँ, और जब उसको मैं रन करता हूँ और मुझे कुछ आउटपुट नज़र आती है तो मुझे श्योरिटी हो जाती है कि ये यहाँ तक तो ये ठीक चल रहा है, यानी एक माइलस्टोन आपका पूरा हो गया। तो इसके बाद जैसे अमूमन एक पैटर्न होता है इसमें डेवलपमेंट का, कि इनपुट ली जाती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट ली जाती है। इससे ज़्यादा भी डिवीज़न हो सकती है, अगर प्रोग्राम कम्प्लेक्स है तो हो सकता है कि जो इनपुट का प्रोसेस है उसी में 10 सब सेक्शंस आ जाएं, और इसी तरह प्रोसेसिंग है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स आ जाएं।
लेकिन चले वो बात की बात है, पहले आप एक सिंपल सिनेरियो उसकी डेवलपमेंट आप सीख लेंगे तो बाद में मुश्किल चीज़ें करना भी आसान होगा। जैसे आपको तैराकी आ जाए और आपका स्टेमिना भी हो, तो आप जितने मर्जी गहरे पानी में तैराकी कर रहे हो आपको परवाह नहीं होगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग का भी है, आपको बेसिक सही तरह आ जाए तो फिर आप कम्प्लेक्स मुश्किल प्रोग्राम भी बना सकते हैं बग़ैर किसी तरद्दुद के। यही होगा, वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन आप बना लेंगे। तो इस सारी बात जो है उसमें समझने वाली एक ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें, एक स्टेप आप कंप्लीट करें काम, उसको एग्जीक्यूट करें और उसका रिज़ल्ट वेरीफाई करें वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको जब तक वो चलता हुआ नज़र ना आए तब तक उसका भरोसा ना करें, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है पूरा प्लान चल रहा है और उसको आप सही प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन आप कोड ठीक नहीं लिख रहे, उसमें गलती कर रहे हैं। तो जब आप वेरीफाई करते हैं कि स्क्रीन पे एक चीज़ की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, यानी अगर आपके जो कोड लिखा है रिज़ल्ट गलत आ रहा है, तो फिर आप ये करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनको आप प्रिंट करते हैं प्रोसेसिंग से पहले प्रोसेसिंग के बाद, तो आपको पता लग जाता है कि ये रिज़ल्ट वैसे नहीं आ रहा, या आउटपुट से पहले आप चीज़ों को चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट क्यों नहीं, फाइनल रिज़ल्ट क्यों नहीं ठीक आ रहा। तो जब आप इस तरह स्टेप बाई स्टेप काम करते हैं तो इसमें एक नुकसान ये होता है कि देर ज़्यादा लगती है। आप एक झटके में कोड लिखते हैं सारा, 50 लाइनों का कोड है मसलन, तो वो लिखना शायद आसान है लेकिन उसको कंपाइल जब करेंगे तो हो सकता है बहुत पेचीदगी नज़र आए। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ उसमें हो सकता है आपने 5 लाइनें लिखी हैं, उसको कंपाइल किया है, जैसे वो कुछ भी आउटपुट आपने लिखी है आउटपुट आपको नज़र आई है, आपको अंदाज़ा हो गया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, फिर आप 5 लाइनें और लिखते हैं इनपुट के हवाले से, उसको साथ साथ आप चेक करते हैं कि जो इनपुट हुई है वही आउटपुट भी आ रही है या नहीं आ रही, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है लेकिन ये है कि साथ साथ आप वेरीफाई करते जा रहे हैं। फिर इसी तरह जिधर मुश्किल कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है वहाँ पे आप वैल्यूज़ जो हैं वो पहले भी प्रिंट कराएं और उस प्रोसेसिंग के बाद भी प्रिंट कराएं, तो आप ख़ुद को ही तसल्ली दे देते हैं कि जैसा रिज़ल्ट आना चाहिए था वैसा ही आ रहा है, यानी आपसे अगर टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाए तो रिज़ल्ट गलत आ सकता है। बाज़ जगह पे सिर्फ इक्वल आपने लगाना होता है, अगर आपने डबल इक्वल लगा दिया इक्वल साइन 2 दफ़ा तो वो तब भी गलत रिज़ल्ट हो जाएगा, और बाज़ जगह पे आपने डबल इक्वल साइन लिखना होता है प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो वहाँ पे अगर आपने सिंगल लिखा तो वो कुछ और रिज़ल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे रिज़ल्ट आपका ठीक नहीं आ रहा उसी वक्त आप उसको कोड को रिव्यू करें इस्तेमाल और उसको फिक्स करें। तो इस तरीके से ये है कि आपकी देर ज़्यादा लगती है लेकिन आप जितना जितना काम करके जा रहे होते हैं आगे वो वेरीफाइबल होता है। तो चलें लेट से आप जो भी टास्क था उसका 50% या 70% कर चुके हैं काम, अब 30% या 50% रिज़ल्ट रहता है, बाकी आप उसी तरह वेरीफाई करते करते कोडिंग करते करते आगे आए हैं। तो उसमें अब जो नेक्स्ट पार्ट है, मसलन आपने उस पर 5 या 10 मिनट लगा के कोड लिखा लेकिन सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, मतलब जो ठीक आ रहा था वो भी गलत हो गया, तो इस सूरत हाल में आपके पास एक बड़ी आसान सा हल है कि आप अनडू की एक ऑप्शन होती है कंट्रोल जेड, अनडू आप करते जाएं और जो लास्ट स्टेट थी जहाँ पे ये वर्किंग में था वहाँ तक अपना कोड लेके आ जाएं। पहले तो ये कि आप कोशिश करें कोड को फिक्स करने की, लेकिन अगर बेस्ट केस तो ये है कि वहीं से वो फिक्स हो जाए, लेकिन वर्स्ट केस ये है कि वो बिल्कुल आपको समझ नहीं लगती
चीज़ें और कम्प्लेक्स कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, तो आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ता है काम। तो इसमें फिर ये है कि आप उस पुराने वाली हालत तक पीछे आएँ कंट्रोल जेड करते हुए, जहाँ पे आपको पता है कि वेरीफाइएबल है कि यहाँ तक ये ठीक है, फिर नए सिरे से ट्राई करें नए अप्रोच के साथ, फ्रेश तरीके से, क्योंकि पिछले दफ़ा जो आपने काम किया उसमें कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है, क्योंकि बिला वजह ये गलत रिज़ल्ट नहीं देगा। आप गलती करेंगे तो तभी गलती नज़र आएगी, गलती नहीं करेंगे उसको फिक्स कर लेंगे तो फिर रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो ये मेथड है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। और आज का खैर ज़्यादा हिस्सा इसी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के हवाले से ही हो जाएगा, और ये बातें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं, और उनके लिए भी अच्छी हैं जो डिग्रीज़ कर चुके हैं, कोर्सेज पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जब उनको कोई भी कहे ये आप छोटा सा टास्क करें तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और वजह वही है जिस तरह मैंने चंद बातें बताई हैं। गलतियाँ इस तरह की जो नए लोग करते हैं वो गलतियाँ फिर वो आगे सारी ज़िंदगी निभाते रहते हैं, तो उसका नुकसान दर नुकसान होता है। तो इसका हल यही है कि आप एक दफ़ा प्रोग्रामिंग को सीरियसली होके सीख लें। एक दफ़ा आप सीख लेंगे फिर आपकी, अगर इसी फील्ड में आपने रहना है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अभी कोई पॉइंट और भी मेरे ज़हन में आया था बताने के लिए, लेकिन फिर वो खिसक गया। चलें फिर मेरे अगर ज़हन में दोबारा बात आ जाती है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब ये चीज़ें ख़ास तौर पे जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए अच्छी हैं, और उनके लिए भी अच्छी हैं जो पुराने सीख चुके हैं लेकिन वो प्रोग्रामिंग फिर भी नहीं कर सकते। उनको ये पता है कि इफ़ स्टेटमेंट होती है, उनको ये पता है कि लूप्स होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए तो फिर उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपकी सूरत हाल ऐसे है कि एक पॉइंट पे आपको ये समझना आए कि आपने इस जगह पे इफ़ कंडीशन लगानी है या वाइल का लूप लगाना है, तो अगर आपकी सूरत हाल ऐसी है तो आप समझ लें कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ है। क्योंकि कोड जब भी दो हिस्सों में तकसीम हो रहा हो, यानी दो आगे डाइवर्जेंस उसकी बन रही हों, तो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट लगेगी, और जो चीज़ आपने रिपीट बार बार करवानी होगी उसके लिए लूप्स लगेंगे। तो ये बहुत बुनियादी सा एक कंसेप्ट है, तो अगर आप इस पे कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग की कख नहीं समझ आती। आपको ये ज़रूर पता है कि इफ़ स्टेटमेंट कोई चीज़ होती है, उसका सेंटेक्स ऐसे ऐसे है, और वाइल भी कोई चीज़ है, लूपिंग चीज़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ पे इफ़ लगेगा या लूप लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वही बिल्कुल गलत है। तो इसमें सीक्वेंस सबसे अहम, कि पहले जो काम करना है वो पहले करें, बाद वाला बात करें। और इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद चीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें कि यहाँ से कोड दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। जैसे मैंने वो एग्ज़ैम्पल दी थी कि आपके पास कोई एक
समझेंगे एक फंक्शन आपको अवेलेबल है, आपने यानी उसका कोड नहीं लिखना, वो मौजूद है गेट वेदर के नाम से, उसमें रिज़ल्ट रेनिंग आता है। तो यहाँ पे आपने छतरी लेके निकलना है या नहीं, ये डिसीजन है। तो ये इंडिकेट हमें सीधा सीधा कर रहे हैं कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगी, ना कि लूप लगेगा। और यही अगर स्टेटमेंट आपने 10 दफ़ा करनी होती तो फिर लूप भी लग सकता था, और लूप के अंदर भी हो सकता है कि इफ़ कंडीशन लग जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि इफ़ के अंदर लूप्स आ सकते हैं और लूप्स के अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। इसी तरह कोड के ब्लॉक्स बनते रहते हैं। तो इसमें हाँ जी, एक चीज़ मेरे जहन में ये आई थी कि जब भी आप कुछ मुश्किल कोड लिखने लगें तो उसके डिस्क्रिप्शन आप अपने अल्फाज में वहीं कोड के अंदर कमेंट्स में लिखें। उसमें ये होगा कि बाद में भी आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी आपने यहाँ पे क्या किया था। बाज़ वक़्त आपको कोड देख के फ़ौरन समझ नहीं आती आपने क्या किया है, अगर मुश्किल कोड है तो उसमें फिर आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो आपने अगर डेवलपमेंट सीरियसली होके करनी है तो उसमें एक सीधी सी बात है कि आपका कोड खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत से मुराद यही है कि उसकी प्रॉपर इंडेंटेशन स्पेसिंग होनी चाहिए। आप आम दुनिया में चाहते हैं कि आप सबसे अच्छे नज़र आएँ, और आप कपड़े गंदे मंदे बेतरतीबे पहनते हैं, मुंह भी धो के घर से नहीं निकलते, तो लोग आपके क्यों अच्छा कहेंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसी तरह अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके कोड को खूबसूरत होना चाहिए। तो कोड की खूबसूरती यही है। चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो उसकी खूबसूरती में आती हैं, फिर आपको इंशाल्लाह ताला उसमें भी डेवलपमेंट में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। इसमें प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो एक वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे आप वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। वो वैल्यूज़ न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, किसी भी तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं। अमूमन पढ़ाई के दौरान आपको जो एग्ज़ैम्पल्स सिखाई जाती हैं या टीचर भी पढ़ाते हैं, तो वो आसानी के लिए वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखते हैं कि जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। जैसे ए वेरिएबल का नाम रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, या एक्स वाई जी रख दिया, आई रख दिया, जे रख दिया। और कुछ लोगों की अपनी कन्वेंशन भी होती है कि जहाँ पे कहीं कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल चाहिए तो वो एक मखसूस लफ्ज़ लिखते हैं, लेकिन चले वो एक हैबिट की बात आ जाती है। तो जो एग्जांपल्स इस तरह की होती हैं, जो बच्चे वो पढ़ते हैं वो फिर क्या करते हैं कि वो जब एक्चुअल कोडिंग उनको करनी होती है वो तब भी वही वेरिएबल्स लिखना शुरू कर देते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी आई जे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि आपको उसको देख के पता लग जाए कि ये इसमें क्या स्टोर हो रहा है या इसको किस मकसद के लिए बनाया था। तो कुछ का मकसद तो सिर्फ स्टोर करना होता है वैल्यू, और कुछ का मकसद प्रोसेसिंग होता है। तो उसका फिर नाम भी ऐसा ही हो कि वो आपको देख के या लिख के समझ आ रही हो। एक तो ये छोटी सी चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स अब मुख्तलिफ तरह के बन जाते हैं। अगर हम जो अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आप लगाते हैं उसके अंदर जो कोड आता है वो एक ब्लॉक कहलाता है। तो आप अगर देखेंगे तो आप फंक्शंस बनाएं उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है,
इसी तरह इफ़ कंडीशन लिखें उसमें कर्ली ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं, इसी तरह जो लूपिंग स्टेटमेंट है उनमें भी कर्ली ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये ब्लॉक आए उसके अंदर वाला कोड एक स्टेप इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंट करने का मतलब ये है कि आप टैब प्रेस करें या कुछ मखसूस स्पेसेस दें, जिस तरह चार स्पेसेस देनी है आपने दो देनी है, जैसे आपके कन्वेंशन है। चाहे टैब्स इस्तेमाल करें या चाहे स्पेसेस दें, वो आप ज़रूर करें। जौन सी भी कन्वेंशन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेसेस अगर आप देते हैं तो फिर थ्रू आउट सारे कोड में स्पेसेस दें, और अगर टैब इस्तेमाल करते हैं तो फिर सारे कोड में टैब ही इस्तेमाल करें, मिक्स अपना करें। तो इस छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगी तो आपको एकदम देख के कोड की डाइवर्जन पता लग रही होगी कि ये एक ब्लॉक है, और अगर ये ट्रू अगर होती है कंडीशन तो ये ब्लॉक जो चलेगा, वरना दूसरा ऐसा चलेगा। इसी तरह लूपिंग स्टेटमेंट में, आइट्रेशन वाली स्टेटमेंट में, उसमें भी एकदम देख के आपको पता लग जाएगा कि ये सारा कोड रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह ये तो बिल्कुल छोटे लेवल पे हो गया है, इससे थोड़े से और पिछले लेवल पे आएँ, फंक्शंस के नाम आपको नज़र आते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आती हैं, और आपको पता होता है इसके अंदर जो सारी चीज़ इंडेंट हुई हुई है ये सारा उसका कोड है। वरना अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते, सारा का सारा कोड लेफ़्ट साइड पे आ रहा है आपके टेक्स्ट रीडर या आईडीई जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे कोड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो चंद चलें तजावीज़ मैंने दे दी, और आज मेरे ख्याल है मेरा वॉक का चक्कर भी कुछ लंबा हो गया है, क्योंकि 57 मिनट हो गए और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल डेवलपमेंट सीखने के लिए ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। आप किसी भी अच्छे प्रोग्रामर का कोड देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर सारा का सारा कोड आपका इंडेंटेशन कोई भी नहीं है, सारा का सारा लेफ़्ट साइड पे विदाउट स्पेसेस विदाउट टैब्स हैं, तो ऐसे कोड को लिखना भी मुश्किल है और समझना तो बहुत ही मुश्किल है। लिखना मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप चंद दिनों के बाद इसी कोड को एडिट करने के लिए आएँ तो इंडेंटेशन के बग़ैर आपको इतना ऊपर नीचे स्क्रॉल करके दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला ब्लॉक है उसके अंदर ये कोड आना चाहिए। तो लिखना भी ये मुश्किल है, समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर प्रॉपर इंडेंटेशन हुई भी होगी तो आप अपना कोड किसी भी डेवलपर को देंगे तो वो फौरन उसको समझ जाएगा, और उसको अंदर जो भी एडिशन करनी है फिक्सेस करनी है ये काम इस तरह आसान हो जाता है। इसी तरह एक लेवल आप फंक्शन के लेवल तक मैंने बात की, इस तरह एक लेवल और ऊपर जाएं तो जो फाइल नेम है या अगर क्लासेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके भी नाम इसी तरह मानीखेज होने चाहिए। तो ये बज़ाहिर छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन ये अमली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। यही मीनिंगफुल नाम हो फंक्शन के, वेरिएबल के, इंडेंटेशन की हो, जहाँ पे ज़्यादा कम्प्लेक्स या कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो वहाँ पे आप कमेंट्स डाल के लिखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल हैं। तो बिल्कुल ये किया जा सकता है, मसला ये है कि बाज़ लोगों ने इसको वैसे ही हुआ बनाया हुआ है प्रोग्रामिंग को, वो आपको
कोर्स शुरू होने से पहले ही डरा देते हैं जी कि ये तो मुश्किल है, तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है। फिर इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे पहले ही इससे हाथ उठा लेते हैं कि यार ये तुम्हारी समझ में आनी मुश्किल है। इस तरह बच्चियों के साथ भी यही मसला है, लड़कियाँ वो बल्कि इसमें और ज़्यादा कमज़ोर होती हैं लड़कों की नस्बत। तो उसमें वजह यही है कि इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश ना करें, इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस टाइप के हिसाब से इसको देखें, समझने की कोशिश करें और फिर आप डेवलप करें। तो अगर आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएं, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई है कि वेरीफाई कर करके आगे जाएं कोड और लिखें जब तक कि पिछला कोड वेरीफाई ना कर चुके, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ें, तो आपको इसी काम में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और एक दफ़ा आपकी लॉजिक्स बननी शुरू हो जाएँ तो आपको आपके लिए इंटरटेनिंग काम हो जाता है। तो एक घंटा तकरीबन हो गया, उससे ऊपर हो गया बल्कि, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। अभी घर का तो मेरा थोड़ा सा फासला है, लेकिन जैसे कि मेरा इरादा था कि एक घंटे की ही रिकॉर्डिंग किया करूँगा, तो मैं फिर अभी क्लोज करता हूँ। ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एट द एंड आई विल से डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन if this video is worthy. Otherwise, don't forget to let me know in the comments how to improve it. Thank you. Have a good day and goodbye.